सैम ने बच्चे दे दिए, बच्चे 6 पपीज दिए हैं और वेलकम माई यूट्यूब चैनल डॉग लवर 2.0 गाइस, हमारी है ना सैम ने बच्चे दे दिए हैं, बच्चे पपीज आ गए हैं हमारे। और ये देखो भाई थोड़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, इसके पास जा नहीं रहे हम, ये भाई के पास बड़े भाई को भी काट रही थी। तो अभी दिखाता हूँ इसके पपीज, आप बने रहो व्लॉग में। अगर आपको नए व्लॉग में दिखाता हूँ आपको पपीज, तो चलते हैं गाइस। ये बैठी हमारी सैम और इसने 6 पपीज दिए हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये देखो, इसने पपीज दे दिए हैं, 6 पपीज दिए हैं और भाई बहुत ही सारे पपीज हेल्दी हैं, सब ठीक ठाक हैं। सो गाइस जैसा कि पता है आपको, ये एक पहाड़ी ब्रीड है और ये पहाड़ी गद्दी कुत्ता है। जैसे कि हम अनर अदर ब्रीड की हमें डिलीवरी करनी पड़ती है, इसकी डिलीवरी करनी नहीं पड़ती भाई, ये सारा प्रोसेस खुद से ही कर लेती है, खुद से ही इसने पप्पी डिलीवर करें। इसने रात को पप्पी देने स्टार्ट कर दिए थे जब भाई का फ़ोन आया, और इसने सारे ठीक ठाक पप्पी दिए हैं, सब हेल्थी पप्पीज हैं। सो गाइस सैम को छोड़ देते हैं पप्पीज के पास, अभी ये फीडिंग करा रही है, तो अभी चलते हैं लीजा को लेके चलते हैं, लीजा की एक्सरसाइज कराते हैं थोड़ी सी, देखते हैं बने रहो व्लॉग में। ये रही लीजा, अब इसको लेके चलते हैं, दिखाते हैं। ये रहे हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे। यार सभी बच्चों को ना केज में बंद कर देता हूँ, नहीं तो फिर इधर उधर घूमेंगे हम। लीजा को जा रहे हैं, इसकी रनिंग वगैरह कराते हैं। सभी सभी पपीज को कर देते हैं केज में बंद। सो गाइस ये हमारी बकरियां 3 बच्चे दे रखे हैं इसने, और ये रही बकरी पूरी, इसके छोटे छोटे 3 बेबीज हैं। और ये हमें ना भाई घेर के लिए स्पेशल पपीज लेकर आए हैं, ये देसी कुत्ता है, और इसकी हाइट वगैरह ना बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि इसके मदर फादर की हाइट बहुत बढ़िया है। और इसके बोन साइज देखो भाई, बोन साइज भी बहुत हैवी है और लंबे लंबे कान है। तो आप बताना गाइस, ये स्पेशल घेर के लिए ही आया, गाय के पास रहेगा, तो बताना आपको कमेंट में कैसा लगा। देखो मेरे को कैसे देख रही है, अभी इसको थोड़ी रनिंग कराते हैं और इसका दिखाते हैं लॉक वगैरह आपको। तो गाइस अभी हम लीजा की करा रहे हैं रनिंग, ये भागते तो बहुत तेज। सो गाइस भाई बाज बैठा है, ये देखो टिब्बे पे भाई, पकड़िए एक बार लीजा को, ये उड़ गया। सो गाइस ये भी यहाँ पे स्ट्रीट डॉग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको पीछे कर ले लीजा को, ये निकल के आ गए लीजा को देख के। और ये तो बहुत सारे हैं, इसके नीचे हम ब्याह रखे भाई, उठिया इनकी माँ, और भी है नीचे, ये देखो गाइस और भी खत्म, ये बैठे हैं प्यारे प्यारे पपीज हैं। हेलो, ये देखो गाइस कैसे पूछ ला रहा है ये वाला भाई। सो गाइस अभी थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं लीजा की, अभी दिखाता हूँ इसको जंप वगैरह लॉक वगैरह। चल लीजा चल, ये लोग लगा लिया इसने। देखो गाइस कैसे हाँफ रही है, थक गई है, इसकी रनिंग वगैरह हो गई सही। यार इनकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करवानी, इसलिए मैं शाम को कराता हूँ, जब अंधेरा हो जाता है ड्यूटी से आता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। लेकिन आज थोड़ा छुट्टी थी तो मैंने आज दिन में इसकी एक्सरसाइज करवा दी। घोड़ा आ रहा है, घोड़े को देख रही है ये सामने से, ये आ गया चमड़े का घोड़ा, वापस कर लिया। सो गाइस हमारे इस जंगल में ना बहुत सारी नील गाय हैं, और देखो मैं देखते ही भाग गई, शायद आपको ना दिखाई दे, किसी दिन आपके लिए पूरा जंगल सर्च करूंगा भाई वीडियो में नील गायें दिखाने के लिए, अगर ना दिखे तो सॉरी। और देखो लीजा भागने के लिए इसके पीछे तैयार है, और ये इनके पीछे भागेगी और मैं इसके पीछे भागूंगा, इतने बड़े जंगल में कहाँ से ढूंढूंगा यार इसको। तो गाइस जिनको हमने सैंडी दे रखी है उन्होंने ये वीडियो भेजी, यार सैंडी की हो गई है बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब, इसको बुखार और दस्त है, दवाई वगैरह मैंने बता दिया उनको, और दवाई मैं भी जल्दी सैंडी से मिलने जा रहा हूँ भाई, सब लोग दुआ करो प्लीज़ सैंडी जल्दी ठीक हो जाए।
आराम से सो रहे थे और अपनी माँ को देखते ही और मेरी आवाज़ सुनते ही कैसे चिल्लाने लगे सारे के सारे। और गाइस आइज देखो इनकी, जब ये ना आराम से बैठे थे अपनी माँ को देखकर मेरी आवाज़ सुन के ना सारे के सारे केज में चिल्लाने लगे। अभी फीडिंग को छोड़ देता हूँ इनको। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। सो गाइज आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और भाई अभी ना लीजा को थोड़े टिक्स हो रखे हैं तो मैं उसकी दवाई लेने जा रहा हूँ। तो चले चलते हैं, पहले फीडिंग पे छोड़ देता हूँ बच्चों को।